Hello, second class. This is your English grammar lesson 8. As you can see, this is your English grammar book. Open it now. और अपने अपने हाथ में सभी पेंसिल लेके रखेंगे, okay? Now, your lesson number 8 is describing words. Describe करना यानी किसी चीज के बारे में बताना. कौन सी चीज कैसी है, okay? Now, dog है. जैसे यहाँ पे हमने यहाँ dog के बारे में बताया है कि this is my pet dog है. It is brown in color. और वो बड़ा प्लेफुल है, यानी वो खेलता बहुत है. और उसका नाम प्रिंस है. यानी मैंने यहाँ क्या किया, डॉग के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है 4 lines उसके बारे में. तो इसको बोला जाता है डिस्क्राइब करना, ओके. नाउ अब टोमेटो है. आपको नॉर्मली आप कहेंगे कि भाई टोमेटो एक सब्जी है, लाल कलर की होती है और वो गोल गोल होता है और इससे हम टोमेटो सूप बनाते हैं और वो बड़ा टेस्टी लगता है ना. आप टोमेटो के बारे में 4 lines लिख दी. तो ये सब आपने डिस्क्राइब किसको किया है, टोमेटो को डिस्क्राइब किया. सेम वही नीचे आपकी ड्रेस है, ऑरेंज है, इनके बारे में भी आपको कोई पूछे तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ना. तो वही वर्ड्स जो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं उनको बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, फाइन. और उनको जो वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको बोला जाता है एडजेक्टिव्स. क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव्स. और वो हमें क्या क्या बता सकते हैं, शेप, साइज, कलर, एज, टेस्ट एंड फील्स, और नंबर भी बता सकते हैं. जैसे मैं बोलूं 2 oranges, 3 oranges, इस तरीके से. नाउ चेकमेट, क्वेश्चन नंबर ए इज लुक एट द पिक्चर्स. आपके सामने सभी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कि कौन सी चीज किसको डिस्क्राइब कर रही है. दिस इज अ डैश टॉवर. लंबा टॉवर है तो देखिए ऊपर टॉल आ गया, तो मैं यहाँ क्या फिल करूंगी, टॉल, लंबा टॉप, टॉल टावर. द टी इज, टी कैसी है, गर्म है ना, देखो उसमें से स्टीम निकल रही है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर आपके पास जो ऑप्शंस है ना, मैं इसी में से चूज किया है हॉट. और दीज किटन्स आर कैसे हैं, बड़े स्मॉल स्मॉल है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे दीज किटन्स आर स्मॉल. तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे. आई विल शो द आंसर्स ऑल्सो, ठीक है. नाउ अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है आपको. तो ब्लू आपका क्या होगा, स्काई होगा, तो आप ब्लू को किससे मैच करेंगे, स्काई से. और ग्रीन हमारा क्या होगा, ग्रास होती है ग्रीन, तो मैं ग्रीन को मैच करूंगी ग्रास से. तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे. मैं आपको अभी आंसर भी शो करूंगी, आप इसे कंप्लीट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप लोग. चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. आपको इनमें से एक फिक्स करना है और आपको बताना है क्या आंसर होगा. द माउस इज अ स्मॉल एनिमल और अ बिग एनिमल. स्मॉल एनिमल, तो हम यहाँ पर स्मॉल को टिक करेंगे. नेक्स्ट है आपका द डैश डॉग ने खाना खा लिया. अब उसने खाना खाया तो वो भूखा हो गया कि थर्स्टी हो गया, प्यासा तो नहीं हुआ ना, भूखा हुआ ना, उसने खाना खाया. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द हंग्री डॉग, ओके. तो इस तरीके से हम नीचे के सारे ब्लैंक्स को यहाँ से, ओके. फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, सेकंड आपको मैंने अभी समझाया था, ब्लू को हम स्काई से मैच करेंगे, ग्रीन ग्रास. तो इस तरीके से आप स्केल से करेंगे इसको, ओके. एंड नाउ यू हैव दिस आंसर, ओपोजिट वर्ड्स. ओपोजिट वर्ड्स आपको मालूम है ना बेटा, यानी जो उसका उल्टा मीनिंग दिखाता है. लाइक डे का क्या होगा, नाइट. हॉट कोल्ड यानी गर्म ठंडा हो गया. बॉय लड़का लड़की हो गया. एंड बिग बॉल है आपकी, एक स्मॉल है, छोटी बड़ी. और नेक्स्ट है आपका नियर फार. नियर होता है पास में, फार होता है दूर. पुश करना यानी धक्का देना किसी चीज को, पुल यानी अपनी तरफ खींचना. एंड वेट का मतलब होता है गीले होना, ड्राई होता है सूखा हुआ. हार्ड बड़ा हार्ड होता है, हमारा पिलो होता है सॉफ्ट. फास्ट एंड स्लो, स्लो यानी धीरे धीरे चलना. ये हमारे होते हैं अपोजिट वर्ड्स, यानी हिंदी में बोलते हैं हम जिनको उल्टे शब्द. अब यहाँ देखिए जो हमारे लेफ्ट साइड में आपके डार्क बोल्ड में है ना, आपको इनके आपको राइट साइड में क्या लिखने हैं. हाँ इनके हमको लिखने हैं
अपोजिट वर्ड्स, ठीक है. लाइक हमारा स्मॉल है तो हम राइट के डैश में लिखेंगे स्मॉल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बिग. स्ट्रॉन्ग वीक, शॉर्ट टॉल, TALL टॉल. लाइक मैंने यहाँ पे डी क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताया था स्मॉल हंग्री वाला, वो आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे सी और डी क्वेश्चन. ओके, नाउ द फाइनल चैलेंज इज देयर. क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. द पीकॉक इज ब्यूटीफुल होता है कि अगली होता है, ब्यूटीफुल, तो आप यहाँ से ब्यूटीफुल को टिक करेंगे और लेफ्ट साइड में आप इज के आगे ब्यूटीफुल लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, द बैलून इज हैवी होता है कि लाइट होता है, लाइट होता है तो आप लाइट को टिक करेंगे और अपने ब्लैंक में लाइट लिखेंगे. फाइन, और सेम ऐसे ही आपको नीचे हैवी बैग का अपोजिट वर्ड, हैवी यानी भारी है बहुत, और भारी का उल्टा क्या होता है, लाइट, LIGHT. और आप इनको दिख रहे हैं आपको यहां पे, आप इनको कंप्लीट करेंगे यहां इस पेज से. ओके,